स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है गुरु पुष्य नक्षत्र। आज रात तक आप जो भी काम करेंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ पूजा करेंगे, कुछ सोचेंगे अपने सुख समृद्धि के लिए, जो भी करेंगे आपके जीवन में अच्छे खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग है। आज दीपावली से पहले साल का आखिरी गुरु पुष्य नक्षत्र योग है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी, आज साध योग भी है, आज रवि योग भी है। एक से एक बढ़कर उत्तम योग आज बन रहे हैं। और गुरु पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं, स्वामी शनि देव हैं, इसलिए पुष्य नक्षत्र शनि प्रधान है। लेकिन हमारी प्रकृति गुरु जैसी होती है, इसकी प्रकृति गुरु जैसी है, इसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है पुष्य नक्षत्र को। इस नक्षत्र पर शनि और बृहस्पति दोनों की कृपा होती है। तो जानने से पहले शनि देव के सभी भक्त और गुरु बृहस्पति के, माता लक्ष्मी के सभी भक्त, इनके चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय शनि देव, जय गुरुदेव, जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्या खरीद कर लाएं, क्या क्या टोटके आप कर सकते हैं जो साल भर आपके घर में धन समृद्धि के योग बनाते रहेंगे। साल भर आपके घर में धन समृद्धि भर भर कर आएगा। छोटे छोटे से उपाय भी बताएंगे क्या खरीद सकते हैं। यदि ज़्यादा धन की व्यवस्था नहीं कर सकते तो जो महंगी चीज़ खरीदने से आपको फल प्राप्त होगा, वही सस्ती चीज़ें भी खरीदने से, छोटी छोटी चीज़ें क्या उस महत्व की हैं बताएंगे। छोटा सा वीडियो है, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, जुड़े रहिए पूरे वीडियो से, नहीं तो आप बहुत कुछ आप मिस कर देंगे। चलिए जानते हैं क्या क्या कर सकते हैं। इस पुष्य नक्षत्र में राजा कहे जाने वाले नक्षत्रों के राजा है नक्षत्र शनि और बृहस्पति, दोनों की कृपा प्राप्त होती है। और दोनों ग्रह ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। जैसे शनि की अगर ढैया चलेगी तो 2.5 साल तक शनि का प्रभाव रहेगा, 7.5 ही चलेगी तो 7.5 साल तक पीछा नहीं छूटेगा। ऐसे ही गुरुदेव जब कृपा करते तो गुरु की भी दशा बहुत लंबे समय तक चलती है, 12 साल 20 साल इस तरह से। तो ये दोनों मुख्य इसके ग्रह हैं और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हर काम में, पुष्य नक्षत्र में किए गए काम में व्यक्ति को सफलता मिलती है, भाग्य साथ देता है। साथ ही साथ इस दिन शुभ चीज़ों की खरीदारी आदि से घर में सुख समृद्धि के योग बढ़ते हैं। और कुछ टोटके करने से साल भर के लिए आपका जीवन सुखमय हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र सूर्योदय से ही शुरू होकर सूर्यास्त तक इसका योग आज बना रहेगा। मान्यता है कि इस दिन सोना चांदी और अचल संपत्ति जैसे घर, प्लॉट, जमीन इस तरह से खरीदें, वाहन भी खरीदारी कर सकते हैं। इस नक्षत्र में आप जो भी खरीदेंगे चीज़, वह आपके जीवन में कई गुनी खुशियाँ लेकर आएगी और बरकत देती है। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि भर भर के आएगी और पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा। और पुष्य नक्षत्र में क्या करें और क्या ना करें, ना करें वाली भी हम आपको बातें बताएंगे। सबसे पहले तो क्या करें सुन लीजिए। पुष्य नक्षत्र में आप सबसे पहला काम करें कि इस दिन यदि आपके पास पैसा है तो सोने के सिक्के खरीद लाएं, या सोने का थाली छोटी सी खरीद लाएं, या कटोरी खरीद लाएं भगवान को भोग लगाने के लिए। यदि नहीं है तो आप पीतल की कटोरी ले आए, ये भी पीले रंग की होती, वही प्रभाव देगी, सुप्रभाव वही मिलेगा, वही आपको पुण्य मिलेगा। दीपावली आने ही वाली है तो हम लोग खरीदारी तो कर ही रहे हैं, तो पुष्य नक्षत्र में दीपावली के लिए खरीदारी करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। आप सोना चांदी अन्य सामान खरीद सकते हैं, पुष्य नक्षत्र में इसकी खरीद सफल देने वाली हो सकती है। हिंदी में पुष्य का अर्थ पोषण होता है, यानी ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला ये नक्षत्र है। और इसमें हम अपने जीवन को ऐसे खुशियों से भर सकते हैं जो आजीवन खुशी बरकरार रह सकती है। गुरु पुष्य नक्षत्र में स्थायित्व लाने के लिए जीवन में आप कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदें जो ज़्यादा दिनों तक आपके साथ बनी रहे, इसीलिए बर्तन खरीदने की आपको कहा जाता है। लेकिन उल्टे सीधे बर्तन ना खरीदें, वो हम आपको बताएंगे क्या क्या ना करें। अभी करें वाला सुनिए। पीतल के बर्तन खरीदें, चांदी के बर्तन खरीदें,
कुछ नहीं तो आप पीले गेंदे के फूल ही ले आए और आप अपने पूजा घर में भगवान को समर्पित करें। पीले गेंदे के फूल आज पीली मिठाई का भोग लगाते हैं, और क्योंकि यह बृहस्पति गुरु को प्रसन्न करता है, शुभता ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं गुरु बृहस्पति, जबकि शनि देव स्थायित्व के लिए माने जाते हैं, चिर स्थायी फल देने वाले होते हैं। पुष नक्षत्र में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो संबंधित व्यक्ति की जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए इस दिन ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनसे भाग्य के कारक बृहस्पति प्रसिद्ध होते हैं और प्रसन्न होते हैं। भाग्य के कारक बृहस्पति, उनकी प्रतिनिधि धातु भी है सोना चांदी या फिर पीतल, इनको आप खरीद कर लाएं। और आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज पूरा नहीं खरीद सकते एकदम से, तो आप बयाना दे दें आज के दिन। बयाना देने से आपकी वो चीज़ मानी जाती है। और पॉलिसी या धन संबंधी योजना में कोई निवेश करना चाहते हैं तो आज के दिन आप निवेश कर सकते हैं, पूरे साल आपको लाभ मिलता रहेगा। सोच समझ कर अच्छी कंपनी में निवेश करें, साल भर लाभ मिलेगा। इस मुहूर्त में खरीदी गई वस्तु अधिक समय तक उपयोगी और अच्छे फल देने वाली होती है, साथ ही हर काम करने में सफलता भी मिलती है। गुरु पुष्य नक्षत्र योग में आप नई दुकान, नया वाहन, नया घर खरीदने के लिए बयाना दे सकते हैं, खरीद सकते हैं, रजिस्ट्री करा सकते हैं। नए काम की शुरुआत शुभ और सफलता देने वाली होती है। माता लक्ष्मी में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस नाम का पाठ करें, लक्ष्मी स्त्रोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी नारायण हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें। धन संपत्ति 100 गुना 1000 गुना बढ़ेगी। अब हम आपको बताएंगे इस गुरु पुष्य नक्षत्र में क्या ना करें। यदि आप बर्तन खरीद कर लाते हैं तो बड़े सावधान रहें। आपको ना तो आज के दिन स्टील के बर्तन खरीदने हैं, ना ही नॉन स्टिक कुकवेयर। आजकल बहुत फैशन आ गया ना नॉन स्टिक कुकवेयर का, लेकिन इनको आप ना खरीदें। अद्भुत तालमेल है, हम कुछ उपाय बताएंगे, एक भी उनमें से अगर आपने कर लिया ना तो आप समझ लो कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। इसलिए आप इन पर बड़े ध्यान से अमल करें और फिर ये सब काम करें, क्योंकि अद्भुत संयोग है गुरु पुष्य नक्षत्र का। ये नक्षत्र सभी का राजा है, इसीलिए आपके जीवन में ये सभी चीज़ें आपके जीवन में खुशियाँ लाने वाली होती हैं। और इस दिन काले रंग के कपड़े ना खरीदें, कोई ऐसी धातु ना खरीदें मेटल जो पीले रंग का ना हो। हाँ, चांदी खरीद सकते हैं, चांदी से भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। और अचल संपत्ति, धन संपत्ति, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में आप ऐसे सामान ना खरीदें जो गर्म होते हैं, लेकिन आप खरीद सकते हैं कई चीज़ें। अब किस राशि के लिए क्या शुभ है ये भी हम आपको बताएंगे। मेष राशि, भूमि वाहन के खरीदना या बयाने देना शुभ है। वृषभ के लिए आभूषण या वस्त्र खरीदें, येलो कलर के या रेड कलर के, धन में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वाले शेयर बाजार में निवेश करें, व्यापारिक सौदे करें। कर्क राशि वाले घर की सजावट के सामान खरीदें या प्रॉपर्टी में निवेश करें। सिंह राशि वाले सोने चांदी के आभूषण खरीदें या पीतल के बर्तन खरीदें। कन्या राशि वाले घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय शुभ है, बयाना जरूर दे दें। तुला राशि वाले व्यापार में निवेश करें तथा अपनी मनपसंद वस्त्र खरीदें, लेकिन काले रंग के ना खरीदें। वृश्चिक राशि वाले वाहन या शेयर खरीदें। धनु राशि वाले भूमि वाहन सोने का आभूषण खरीदें या पीतल के बर्तन खरीदें। मकर राशि वाले व्यापारिक व्यवसाय विस्तार के लिए या धन विस्तार के लिए कहीं अच्छे सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। कुंभ राशि वाले वाहन व्यवसाय में निवेश करें या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें। मीन राशि वाले सोने चांदी या फिर पीतल के बर्तनों की खरीदारी करें या नए व्यवसाय की शुरुआत करें। शुभ मुहूर्त आज का सबसे अच्छा है शाम के समय, रात होने से पहले। रात को आप एक दीपक जलाएं तुलसी के पास, उसमें हल्दी डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 11 बार बोलें। ओम श्रीम श्री नमः बोलें। जय माँ लक्ष्मी।